वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारत में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच राजस्थान के भीलवाड़ा से आए शुभ संकेत ने सबका ध्यान खींचा है। एक समय ऐसा भी था जब इस कपड़ा नगरी में कोविड-19 प्रकोप के तीसरे चरण में पहुंचने की ओर अग्रसर था, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी और सख्ती के बाद यही इलाका कोविड-19 को नियंत्रित करने के उपायों के लिए मॉडल बनकर सामने आया है। पिछले 4 अप्रैल के बाद यहाँ एक भी संक्रमित रोगी सामने नहीं आया है। इस छोटी सी जगह में 2 मौतों और संक्रमण के कुल 27 मामले आने पर देश भर में चिंता बढ़ गई थी। संतोष की बात है कि अब कोई नया मामला नहीं आ रहा है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने अब इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। देश के कई शहरों और राज्यों में स्थिति संतोषजनक नहीं है, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई और इंदौर जैसे बड़े शहरों में कई इलाके हॉटस्पॉट बने हुए हैं। हमारे लिए चिंता की बात यह भी है कि शुरुआती 5,000 संक्रमण के मामलों में जिन 5 देशों में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं उनमें भारत भी शामिल है। फ्रांस, ईरान, स्पेन, चीन और अमेरिका जैसे देशों में जहां स्थिति अब ज़्यादा ख़राब हो गई है वहां भी शुरुआती 5,000 संक्रमित मामलों में मौतों का आंकड़ा भारत से कम था। अब यह कहना ज़रूरी है कि वक्त रहते स्थिति को काबू में नहीं किया गया तो हमारे हालात कल्पना से ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में जहां भी इस वायरस को रोकने में कामयाबी मिली हो उनसे सीखा जाए। ऐसे में भीलवाड़ा मॉडल तो हमारा अपना ही है। वहां के जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट और उनकी टीम के प्रयासों की तारीफ ज़रूर करनी होगी, जिन्होंने इलाके को सील करने और कर्फ्यू को सही मायनों में लागू करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया कि लोगों को रोजाना की ज़रूरतों की पूर्ति में कोई परेशानी नहीं आए। न सिर्फ शहर को पूरी तरह सील किया बल्कि पूरे ज़िले को राज्य के अन्य हिस्सों से काट दिया। चुनाव कंट्रोल रूम की तर्ज पर अपने कार्यालय को नियंत्रण कक्ष में तब्दील किया और कर्मचारियों की वैसी ही ड्यूटी लगाई गई। उन्होंने 2100 टीमें बनाई और करीब करीब 25 लाख लोगों की जांच की गई। सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों को भी घर में क्वारंटाइन कर बाहर पहरा बैठा दिया गया। दरअसल बार बार यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस वायरस को रोकने का एकमात्र ज्ञात उपाय है।
इसलिए हर जगह ज़रूरत से ज़रूरत इसे सख्ती से अमल में लाने की है। स्टॉप।